लेकिन किसान चाहे कितनों भी मेहनत करे उसके अनाज का रेट सरकार तय करती है। वो तय नहीं कर सकता कि मैं कितना इसमें खाद डाला, कितना बीज डाला, कितने बार जुताई किया, कितने बार सिंचाई किया, कितना खर्च आया, अब इस पर कितना प्रतिशत मुझे मुनाफा लेना है, ये तय सरकार को करना है, बल्कि किसान नहीं करता है। हमारे देश में तो किसानों के अनेक तरह की समस्या है और मैं इस तरह से कुछ बिंदु पर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ समाज के लोगों से। किसान तो किसान होता है, जिसके पास कोई शान नहीं होता उसी को किसान कहते हैं, और शान तो पूंजीपति लोगों के पास होता है। जो मध्य वर्ग के किसान हैं और जो बड़े जमींदार किसान हैं, दोनों में अंतर है। अब मजदूर तो मजबूर होता है, मजदूर को मैं मजबूर बोलता हूँ, वो जमींदार के खेत में ही नहीं मध्य वर्ग के खेत में भी काम करते हैं, और ज़्यादातर मध्य वर्ग के किसान हैं अपने से खुद ही खेत में काम कर लेते हैं, छोटी मोटी काम, छोटे मोटे खेत, छोटे किसान होते हैं। और किसान के पास अधिकतर समस्याएं से घिरा होता है। सही समय पर उसका खेत में फसल नहीं लगने पर तो जो दशा होता है वह एक लोमड़ी के तरह होता है। जब बाढ़ आने के बाद लोमड़ी को भोजन मिलना बंद हो जाता है, उसी तरह किसान को भोजन पर आफत ही हो जाता है, बच्चे को शिक्षा रुक जाता है, और बहुत सारी समस्याएं होती है। जब ज़्यादा धूप हो गया तो भी फसल नष्ट हो गया, ज़्यादा बारिश हुई तो भी नष्ट हो गया, कभी तो ऐसा होता है जो फसल नहीं आया तो बच्चे को पढ़ाई रुक जाता है, कभी कपड़े सही से नहीं पुर पाता है। लेकिन सरकार इस ओर बहुत कम ध्यान देती है। अभी जो हम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में, जैसे कि मुझे जानकारी है कि 6000 वार्षिक जो है दिया जा रहा है, वह यदि 12000 कर दिया जाए तो कुछ राहत मिलेगी, इसलिए कि किसान जो है वह हर तरफ से मजबूर होता है, उसके शरीर पर कभी अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, वो गांव देहात में रहते हैं, शहर नसीब नहीं होते हैं। शहर तो कभी कभी वो जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ का रहन सहन देखकर उनको अचंभित आश्चर्य होता है, और कभी मजबूरी में भी जाते हैं जब कोई बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल जाना होता है तभी, लेकिन वहाँ का रहन सहन को भी दो चार दिन में वो समझ नहीं पाते हैं। कहीं उन्हें रास्ते में ठग लेता है तो कहीं लूट लेता है, किसी न किसी तरह चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जो गाँव देहात के रहने वाले और शहर के रहने वाले में अंतर हो जाता है। तो किसान के संबंध में तो अनेक समस्याएँ हैं, जो समस्याएं गिनाने में भी लगेगा कम गिनाया जा रहा है, और सरकार का अनाज का रेट, किसान के अनाज का रेट सरकार तय करती है। जब कोई बड़ी कंपनी अपने फैक्ट्रियों में कोई सामान लाता है, कच्चा माल लाता है, तो उसका क्या रेट लगाया, कैसे खरीद के लाया, फिर बनाने के बाद माल को, सामान को बनाने के बाद मजदूर को कितना मजदूरी दिया, सभी काट करके उसको मुनाफा कितना प्रतिशत लेना है, वो खुद कंपनी तय करती है। लेकिन किसान चाहे कितनों भी मेहनत करे उसके अनाज का रेट सरकार तय करती है। वो तय नहीं कर सकता कि मैं कितना इसमें खाद डाला, कितना बीज डाला, कितने बार जुताई किया, कितने बार सिंचाई किया, कितना खर्च आया, अब इस पर कितना प्रतिशत मुझे मुनाफा लेना है, ये तय सरकार को करना है, बल्कि किसान नहीं करता है। यही सबसे बड़ी त्रुटि है हमारे देश के किसानों में, जो अपनी उपजाए गए अनाज का खुद वह मूल्य आंकता नहीं है, खुद उस चीज़ को रेट का तय नहीं कर पाता है। ये सबसे बुराई है, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसका आकलन करना चाहिए, और कुछ किसानों से मिल करके समाज में, पंचायत में घूम करके किसानों के बीच राय लेना चाहिए कि वास्तविक क्या खर्च इसमें है, एक एकड़ में कितने आपको सिंचाई खर्च हुआ, कितने बीज में खर्च हुआ, कितने जुताई में खर्च हुआ, और कुल लागत का उसमें कुछ प्रतिशत आपको जो मुनाफा दिया जाएगा, तो यह सरकारी रेट तय इस हिसाब से होना चाहिए, तभी किसान यहाँ सुसज्जित रूप से शिक्षित बच्चे को कर पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे, इलाज करा पाएंगे और सही ढंग से जी पाएंगे। अन्यथा किसान कृषि करते करते आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आने वाला है मुझे जो लग रहा है। इसीलिए मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप किसान की ओर अधिक से अधिक ध्यान देने की कृपा करें, यही मेरा विनती है।